वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं नर्सरी से ये तीन प्लांट लाया हूँ। करीब तीनों को 100 रुपया लिया और ये डीप रेड कलर का है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका कलर। और इसके और दो कलियाँ भी है, ये वाला थोड़ा वाइट शेड वाला है, ये भी रेड होगा या शायद पिंक होगा, देखते हैं क्या होता है। और ये वाला येलो होगा शायद, इसमें भी तीन कलियां हैं लेकिन बहुत छोटा छोटा है। ये तीनों ही पौधे बहुत ही छोटे छोटे हैं। उसी नर्सरी से मैं पहले और तीन पौधे लाया था, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तीनों भी इसी साइज के थे, छोटे छोटे थे, लगभग एक या डेढ़ महीना होगा मैंने उनको लाया था इसको। और देखिए ये भी वाइट शेड वाला है, बहुत ही अच्छा हो गया है ये तीनों ही प्लांट मेरे। आप देख सकते हैं बूसी लुक आ रहा है। ये वाला थोड़ा छोटा है लेकिन बाकी के दो बहुत ही अच्छा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनके नीचे देखिए, इनके नीचे ट्रंक जो है थोड़ा थोड़ा मोटा हो रहा है, अभी बहुत ही पतला पतला था जब मैं उसे लाया था, उसका वीडियो में बना नहीं पाया था पोटिंग का। लेकिन ये जो तीनों प्लांट आज मैं लाया हूँ उनको आपको मैं पोटिंग करके दिखाऊंगा। मेरा सोयल मिक्सर के बारे में भी बताऊंगा, जो सोयल मिक्सर में पहले लगाया था, आप देख सकते हैं। ये मैं 15% जो है कोकोपीट और 20% छोटे छोटे ब्रिक चिप्स मेरे हैं, उनको मैं अच्छी तरह से धो लिया हूँ। और 20% नदी का रेत है, रिवर सैंड, और 20% वर्मी कंपोस्ट, लगभग 5% बोन मील, और ये गार्डन सोयल 15%। बहुत ही अच्छा गार्डन सोयल है, देखिए कैसे। और ये थोड़ा सा नीम केक भी मैं डाल दूंगा और थोड़ा मस्टर्ड केक, थोड़ा सा एंटीफंगल का पाउडर भी मैं मिलाऊंगा क्योंकि मानसून का सीजन है, फंगस ना लग जाए, इसलिए थोड़ा सा वो वाला ही मैं मिलाऊंगा। अच्छे से मिला लेने के बाद आप देख सकते हैं मिला लिया हूँ। और नीचे मैं थोड़ा कोको पेयर दे देता हूँ ताकि ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और उसके बाद मिट्टी डालूंगा, थोड़ा मिट्टी दे देता हूँ। नीचे थोड़ा मिट्टी, उसके बाद मैं कैमरा पकड़े हुआ हूँ इसीलिए थोड़ा जो प्लांट को खोल के बिठा के मैं दिखाता हूँ। देखिए खोल लिया हूँ मैंने और बिठा दिया है। ये जो पर्सन है ये ग्राफ्टिंग का पर्सन है, उसको थोड़ा सा जस्ट नीचे मुझे मिट्टी भरना है, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे भी नहीं, जस्ट थोड़ा सा नीचे इस लेवल तक मैं मिट्टी भरूँगा। भर के दिखाता हूँ, जो ये नीचे जो एयर पॉकेट है वो सब ऐसे करने से बंद हो जाएगा और फंगस का कोई चांसेस नहीं रहेगा और ड्रेनेज भी बहुत अच्छा होगा। ये एक प्लांट में पोट करके आपको दिखा दिया, बाकी तीन प्लांट में पोट करूँगा अभी। देखिए तीनों ही प्लांट मैंने अभी अच्छी तरह से उसी तरीके से पोट कर लिया,
उसके बाद उसको छायादार इलाके में रख दूंगा थोड़ा। अब देखिए ये तीन पौधे मेरे यहाँ पे है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए अभी अभी मैं देखा यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीनरी क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हैं ये रेनबो बहुत ही अच्छा लग रहा है।